जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आप लोगों को सबको पता है कि वन रैंक वन पेंशन जो चल रहा है पूरा जोरों शोर से, जंतर मंतर पर हमारे एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं और अच्छा खासा तादाद में बैठे हुए हैं और शेड्यूल अच्छा चल रहा है। और बीच बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में, ऑल इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में बीच बीच में हर महीने में एक बार जाकर डीएम को ज्ञापन सौंपा जाता है। अब इस बार आप लोग याद रखें, 23 जुलाई को जंतर मंतर पर पूरे एक सर्विसमैन वहां इकट्ठा होने का आह्वान किया गया है। आप टाइम न भूलें, 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर दिल्ली में आप टाइम से पहुंचे और धरना को कामयाब बनाए। कहने की मेरी ये बात है कि देखो, जंतर मंतर पर जो है वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन हर एक फौजी का जो एक सर्विसमैन है, रिटायर हो गए हैं, उनका हक बनता है कि अब आप जाइए और वहां अपना प्रदर्शन कीजिए। देखिए कि अब सीए का जो धरना हुआ था, आज धरना की वजह से वो कैंसिल हो गया। किसानों का धरना हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। धरना एक ऐसा चीज है कि ये आंदोलन महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, धरना दिया था और वो सफल रहा। इसी तरह सीए और किसानों का धरना सफल रहा। तो मैं जितने एक सर्विसमैन हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जिसको टाइम मिलता है, देखो तनख्वाह बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो नहीं कुछ होने वाला है। आप घर से बाहर निकलिए, जिसको टाइम मिलता है प्लीज रिक्वेस्ट, आप जाइए और जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना को कामयाब बनाएं। जय हिंद।